आज अपन देखने वाले हैं क्या सर्कल ऑफ विलिस, या तो उसका दूसरा नाम क्या है सर्कुलस आर्टेरियोसिस। ठीक है, ये क्या है? ये एक सर्किल फॉर्म करता है कहाँ? अपने ब्रेन में, जो कि एक हेक्सागोनल आर्टेरियल सप्लाई है। क्या है? हेक्सागोनल आर्टेरियल सर्किल फॉर्म करता है, जो एक हेक्सा का स्ट्रक्चर होता है ना, कुछ वैसा अपने को देखने मिलेगा। ठीक, तो पहली चीज क्या है, ये हेक्सा गोनल जिसका स्ट्रक्चर है, हेक्सागोनल आर्टेरियल सर्किल फॉर्म कर रहा है कहाँ? अपने ब्रेन में। दूसरी चीज ये कहाँ है सिचुएटेड, कहाँ है ये? बेस ऑफ द ब्रेन, जो ब्रेन का बेस है बोन्स के ऊपर, और अपना बोन्स का ऊपर, और एक फोसा फॉर्म होता है क्या, इंटरपेंडिकुलर फोसा। कौन सा फोसा? इंटरपेंडिकुलर फोसा। ये अपने को सर्किल ऑफ विलिस वहां पे देखने मिलता है, इसलिए इसे बोला क्या, बेस ऑफ ब्रेन, ब्रेन के बेस में, और इंटर एक्चुअली लोकेशन का, एग्जैक्ट लोकेशन इसकी क्या है, इंटरपेंडिकुलर फोसा। अब ये फॉर्म की अगर बात करते हैं, फॉर्म कैसे होता है, फॉर्म बाय द एंटीरियर सेरिब्रल ब्रांचेस। अब इसकी ब्रांचेस की बात कर रहा है ना, कौन कौन सी ब्रांचेस, सामने की ओर ब्रांचेस। अभी उसको अपन डायग्राम के फॉर्म में देखेंगे कि ये एक्चुअली में जो सर्किल ऑफ विलिस है वो बनता कैसे है। ठीक है, तो एंटीरियर सेरिब्रल ब्रांचेस हो गई इसकी। दूसरी, टर्मिनल पार्ट ऑफ इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। अब टर्मिनल पार्ट ऑफ इंटरनल कैरोटिड आर्टरी मतलब जो अपनी एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी है, उसको बोलते हैं क्या अपन, टर्मिनल पार्ट ऑफ इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। फिर क्या है, पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी, पोस्टीरियर सेरिब्रल ब्रांच ऑफ द बेसलर आर्टरी। ये सब मिलकर फॉर्म करती हैं क्या, एक सर्किल ऑफ विलिस। जो आर्टरीज है ये सब मिलकर फॉर्म करती है क्या, सर्किल ऑफ विलिस। ठीक है, देन एक अगर इसको देखें, ठीक है, दूसरी चीज जो अपना फॉर्मेशन है किसका, पहली चीज, दूसरी पहले क्या, जो एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी है, एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी, एंटीरियर सेरिब्रल, ये हो गई अपनी क्या, एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी। और ये कम्युनिक कनेक्टेड है, किससे कनेक्टेड है, देखो ये हो गई एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी। जैसे कि अपन ने देखा था कौन कौन से आर्टरी का नाम दिया था इसने, एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी। ठीक, देन कम्युनिकेटिंग आर्टरी है ना, पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी, सेरिब्रल आर्टरी, जो कि अलग अलग सबकी क्या है, ब्रांचेस है। ठीक है, तो यहाँ पे जो एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी कनेक्टेड है, किससे कनेक्टेड है ये, एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी से। किससे कनेक्टेड है, एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी से। देन ये अपनी हो गई क्या, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। ये क्या हो गई, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, क्योंकि ये किसका पार्ट था, ये था टर्मिनल पार्ट, ये टर्मिनल पार्ट था किसका, एंटीरियर टर्मिनल पार्ट था, सॉरी एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी जो है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की क्या, टर्मिनल टर्मिनल पार्ट है। ठीक, देन अब यहां से अपनी कौन सी आर्टरी है, पोस्ट, ये हो गई पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी। कौन सी आर्टरी, पोस्टीरियर सेरिब्रल, ये पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी है। तो ये पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी किसको सप्लाई कर रही है, किसके थ्रू अटैच है, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी और पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी। ये कनेक्ट है किससे, पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी के थ्रू। किसके थ्रू, पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी के थ्रू। अब अपन इसके फॉर्मेशन की बात करें तो इसका फॉर्मेशन देखो, अब ये फॉर्म कैसे हो रहा है। ठीक है, देखो पहली चीज, पहले इसको अपन फॉर्म कर लेते हैं, फिर इसके बाद इसको डिटेल करते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले अपनी जो है पोस्टीरियर वर्टिब्रल आर्टरी, कौन सी आर्टरी, वर्टिब्रल आर्टरी, कौन सी आर्टरी, वर्टिब्रल आर्टरी। ठीक है, ये क्या हो गई, वर्टिब्रल आर्टरी, जो कि किसको सप्लाई कर रही है, अपनी वर्टिब्रा को। किसको सप्लाई कर रही है, वर्टिब्रा को, जो कि ब्रांच है किसकी, सबक्लेवियन आर्टरी की। ठीक है, देन वर्टिब्रल आर्टरी आगे चल के एक सिंगल मर्ज होती है और फॉर्म करती है बेसिलर आर्टरी। कौन सी आर्टरी, बेसिलर आर्टरी। क्यों, क्योंकि अपना जो ऑक्सीपिटल रीजन पे एक फोरामेन है, फोरामेन का नाम क्या है, फोरामेन मैग्नम। ठीक है, बनी बात है, अगर यहां से दो आर्टरी साथ में जाकर घुसेंगे तो फोरामेन तो सिर्फ इस साइज का है, छोटा साइज उसका कम, तो दो आर्टरी अगर घुस रही है तो जगह ज्यादा लेगा वो। ठीक, वहीं अगर फॉर्म मर्ज हो जाए तो दोनों की सप्लाई एक में जाएगी और
सप्लाई बराबर एक ही एक्यूरेट आएगी, पर वहां पे क्या होगा, वहां पे वो जो उसका एरिया है वो कम हो जाएगा। जहां पे दो आर्टरी घुस रही थी, अब एक ही आर्टरी घुसेगी तो जगह वो कम लेगी, है ना। तो ये घुस रही है कहां, तुम्हारे फोरम एंड मैग्नम के थ्रू ब्रेन के पोस्टीरियर साइड, पोस्टीरियर साइड से एंटर कर रही है अपने ब्रेन के स्कल के अंदर, स्कल के अंदर। देन ये पोस्टीरियर वेस्कुलर आर्टरी इंटर करने के बाद आगे जाके फिर क्या होती है, फिर जाके बाइफरकेट हो जाती है। ये क्या हुई, आगे जाके फिर से बाइफरकेट हो गई, ठीक, दो हिस्सों में फिर डिवाइड हो गई। तो अब ये फॉर्म करती है क्या, इंटरनल सॉरी पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी, क्या पोस्टीरियर, क्योंकि अब अंदर गई और अंदर जाके दो हिस्सों में डिवाइड हो गई, क्योंकि ये सिर्फ फॉर्म क्यों हुई थी, क्योंकि उसको अंदर जाना था इसलिए, ठीक। अब वो अंदर जाके क्या हुई, बाइफरकेट वापस दो हिस्सों में डिवाइड हो गई, राइट साइड और लेफ्ट साइड, राइट सेरिब्रल राइट पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी एंड लेफ्ट पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी, ठीक है। तो ये अपनी कौन सी आर्टरी हो गई, पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी, ठीक। देन अपनी ये कौन सी आर्टरी हो गई, ये कौन सी आर्टरी हो गई, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। इंटरनल कैरोटिड आर्टरी जो है वो कॉमन कैरोटिड की ब्रांच है, किसकी ब्रांच है, कॉमन कैरोटिड आर्टरी की ब्रांच है। कॉमन कैरोटिड आर्टरी आगे चल के बाइफरकेट होती है और दो स्ट्रक्चर फॉर्म करती है, एक एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी और एक इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। इंटरनल कैरोटिड आर्टरी डायरेक्ट एंटर करती है कहां, अपने स्कल के अंदर ब्रेन को ब्लड सप्लाई प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है। देन अब यहां से जो पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी है और इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है, ये क्या हो गई, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी राइट एंड लेफ्ट, ये क्या हो गई, पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी और ये भी पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी राइट एंड लेफ्ट, ठीक है। देन यहां से अब ये दोनों क्या होते हैं, कम्युनिकेट होते हैं, कौन कौन सी, एक तो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी और इंटरनल कैरोटिड आर्टरी और पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी, जो कि फॉर्म करता है क्या, पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। ये क्या फॉर्म कर रहा है, पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। ये अपने को दोनों साइड देखने मिलेगा, राइट एंड लेफ्ट, ये क्या हो गई, पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी, ये क्या हो गई, पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। देन पोस्टीरियर फिर क्या है, अब इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, जैसा कि अपन ने देखा था अभी कि इंटरनल कैरोटिड आर्टरी से ब्रांच निकलती है, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी से ब्रांच निकलती है और सप्लाई करती है कहां, एंटीरियर सेरिब्रम को, किधर पे, एंटीरियर साइड वाले पार्ट पे, ठीक है। एंटीरियर जो सेरिब्रम है अपना, उसके एंटीरियर वाले पार्ट पे क्या करती है, ब्लड सप्लाई देने का काम करती है। ठीक है, तो ये कौन सी आर्टरी हो गई, ये अपनी, ये कौन सी आर्टरी हो गई अपनी, एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी, और ये कौन सी आर्टरी हो गई, कम्युनिकेटिंग आर्टरी, ठीक। ये क्या हो गई, एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी, ये भी क्या है, राइट एंड लेफ्ट एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी, और ये क्या हो गया, एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी, क्योंकि ये सामने की ओर एंटीरियरली क्या कर रही है, एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी को क्या कर रही है, कम्युनिकेट कर रही है, जोड़ रही है ना, तो इसका नाम क्या हो गया, एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। और ये कौन सी आर्टरी थी, ये थी अपनी बैसिलर आर्टरी, कौन सी आर्टरी, बैसिलर आर्टरी। ये कौन सी थी, वर्टिब्रल आर्टरी राइट एंड लेफ्ट वर्टिब्रल आर्टरी, है ना। तो
देख सकते हो ये जो स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है एक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर जैसा है जो कि फॉर्म कर रखा है सर्कल ऑफ विलिस। तो अब देखो जो इसका फॉर्मेशन है, क्या जो इसका फॉर्मेशन है, तो एंटीरियरली सामने की ओर, क्यों? क्योंकि अपना जो ब्रेन है ना, अपना जो ब्रेन है एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी। अब देखो ये अगर समझ रहे, ठीक है, तो ये क्या हो गया, एंटीरियर पार्ट हो गया, ठीक। अब जो एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी है वो अपने को कहाँ मिल रही है, इस पार्ट पे, एंटीरियरली है, अपने को इस पार्ट पे मिल रही है क्या, एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। तो जो कि क्या कर रही है, इन दोनों को जोड़ रही है, एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी को जोड़ने का काम कर रही है, और एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी ये कहाँ है, एंटीरियरली, ठीक। अब बात करो एंटेरोलेटरली, एंटेरोलेटरली, तो पहली चीज क्या थी, एंटीरियरली, ठीक, एक साइड पे लिखते जाओ, एक साइड पे क्या है, एंटीरियरली, एंटीरियर, एंटीरियरली में क्या है, एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी ज्वाइनिंग द एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी, दोनों क्या कर रही है, ज्वाइन कर रही है, कौन फॉर्म कर रही है, एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी। दूसरी चीज क्या है, दूसरा अगला क्या है, अगला मिल रहा तुमको क्या, एंटेरोलेटरली, एंटेरो लेटरली मतलब आगे की ओर लेटरल साइड, क्योंकि ये क्या हो गई, ये मिडिल लाइन हो गई, ये क्या हो गई अपनी, ये मिडिल लाइन हो गई है ना, तो ये कहाँ पड़ा हुआ है, बीच में पड़ा हुआ है, इसलिए इसने बोला क्या, एंटीरियरली, सिर्फ आगे की ओर पार्ट प्रेजेंट है, पर जैसे ही यहां से ये जो दो है एंटेरो लेटरली, ये वाला पोर्सन, ये क्या है, एंटेरो लेटरली, तो एंटेरो लेटरली में क्या मिल रहा है अपने को, एंटेरो लेटरली में एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी, एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी, तो एंटेरोलेटरल में क्या मिलेगा, एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी, यहाँ पे क्या थी, एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी एंटीरियरली, पर एंटेरोलेटरली में क्या था, एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी, एंटीरियर क्योंकि ये दोनों साइड पे इसको क्या कर रहा है, अलग कर रहा है, ठीक। देन आगे देखो फिर क्या, लेटरली, लेटरली देखो, लेटरली क्या साइड में, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, हाँ यहां से क्या, ये क्या हो गई, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, हाँ ये क्या हो गया, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी लेटरली। देन पोस्टेरोलेटरली, पोस्टेरोलेटरली, पोस्टेरोलेटरली में क्या मिल रहा है अपने को, यहां पे लिख लो पहले तो इंटीरियर एंटेरोलेटरली एंड लेटरली में क्या आ जाएगा, लेटरली में क्या आ जाएगा, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, ठीक। देन पोस्टेरो लेटरली में क्या आ जाएगा, पोस्टेरोलेटरली में क्या आ जाएगा, पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी, ठीक है, सॉरी पोस्टेरो लेटरली में क्या आ जाएगा, पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी, पोस्टेरोलेटरली में क्या आ जाएगा, पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी, ठीक। क्यों, क्योंकि यहां पे ये दोनों क्या कर रही है, एक दूसरे को ज्वाइन कर रही है, हाँ एक दूसरे को क्या कर रही है, ज्वाइन कर रही है, तो ये क्या हो गया, पोस्टेरो पीछे की ओर लेटरल साइड पे, पीछे की ओर लेटरल साइड पे, पोस्टेरो लेटरली में कौन सी आर्टरी है, पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी है। देन फिर क्या है अगला, पोस्टीरियरली, पोस्टीरियरली में क्या है, पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी, ये जो है ना, ये क्या है, पोस्टीरियरली, तो कौन सी आ गई, पोस्टीरियर सेरेब्रल, पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी, जो कि फॉर्म हुई है किससे, बेसलर आर्टरी से, किससे फॉर्म हुई है, बेसलर आर्टरी से, ठीक है। तो यहां पे देखो जो पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी की बात की इसने, ये होगी तुम्हारी कौन सी आर्टरी, पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी, हाँ पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी ज्वाइनिंग द पोस्टीरियर लेटरली में क्या था, पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी, एंड पोस्टीरियरली में क्या था, पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी, ये लो बन गया एक स्ट्रक्चर है ना, जो कि क्या है, सर्कल ऑफ विलिस, क्या है, सर्कल ऑफ
देख सकते हो एक हेक्सागोनल लाइक पैटर्न में दिख रहा है ना ये, ठीक। तो ये क्या है, सर्किल ऑफ विलिस। अब देखो, अब जो सर्किल ऑफ विलिस है ये जनरली जो फॉर्म हुआ है ना, मतलब जो एक बना हुआ है, ये अगर इस किसी ये प्रॉपर तरीके से अगर किसी भी पार्ट पे ऑब्स्ट्रक्शन कॉज हुआ है तो ब्लड सप्लाई ब्रेन की ना ऑब्स्ट्रक्ट हो, इसलिए सर्किल ऑफ विलिस काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि ये क्या करता है, ब्लड को इक्वल अमाउंट में फ्लो करने का काम करता है। जैसे कि समझो, मान लो अगर इस पार्ट पे ब्लॉकेज हो गया, समझना सिर्फ ना, अगर इस पार्ट पे ब्लॉकेज है तो ब्लड यहां से सप्लाई जा रही थी ना, यहां जा रही थी, पर क्या ब्लड सप्लाई ऑब्स्ट्रक्ट होगी, नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उसको सप्लाई कहां से मिल रही है, यहां से। तो किसी भी पार्ट पे अगर यहां पे भी अगर ऑब्स्ट्रक्शन है तो बनी बात है, इसकी सप्लाई ये दे सकता है, इसकी सप्लाई ये दे सकता है। तो एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी को सप्लाई इधर से भी मिल सकती है, और अगर इधर ऑब्स्ट्रक्शन है तो इधर सप्लाई मिल सकती है। तो कहीं पे भी ऑब्स्ट्रक्शन अगर हो रहा है तो ब्रेन की ब्लड सप्लाई ऑब्स्ट्रक्ट नहीं होती। अगर किसी भी माइन्यूट आर्टरी पे जिसकी ब्रांचेस है अगर उस पर ऑब्स्ट्रक्शन नहीं हो रहा है, तो अगर इस पर ऑब्स्ट्रक्शन हो तो ऑब्स्ट्रक्ट जो है वो सप्लाई ऑब्स्ट्रक्ट नहीं होगी। तो इसके लिए काफी रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। देन आगे देखो, अब इस पे से ठीक अपन ने क्या क्या देखा, एक तो एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी हो गई और एक पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी हो गई, एक एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी और एक पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी। एक और आर्टरी है, कौन सी, मिडिल सेरिब्रल आर्टरी। आर्टरी का नाम क्या है, जो कि ब्रांच है किसकी, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की। इसकी ब्रांच है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की ब्रांच है, ठीक, जिसका नाम क्या है, मिडिल सेरिब्रल आर्टरी। मिडिल सेरिब्रल आर्टरी, मिडिल सेरिब्रल आर्टरी याद रखना, ये सर्किल ऑफ विलिस बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। जो मिडिल सेरिब्रल आर्टरी है वो सर्किल ऑफ विलिस बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। सिर्फ सर्किल ऑफ विलिस फॉर्म कौन कौन कर रहा है, एक तो एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी और पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी, ठीक। ये दोनों क्या हो गई, कम्युनिकेटिंग आर्टरी है, जो कि इंटरनल कैरोटिड आर्टरी और पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी को कम्युनिकेट कर रहा है, ठीक है। और जो एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी, ये तो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की क्या, टर्मिनल ब्रांच, मतलब लास्ट ब्रांच है सेरिब्रम साइड में जो सप्लाई कर रही है, और ये जो कि ज्वाइन करती है इसको, एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी को जोड़ती है कौन, एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी, ठीक है। चलो अब देखो, यहां तक क्लियर, ठीक। अब जो है ब्रांचेस की बात करें अपन, क्या इसकी जो सर्किल ऑफ विलिस की जो मेजर ब्रांचेस हैं, ठीक है। तो अब अगर इसकी ब्रांचेस की बात करो, ब्रांचेस ऑफ सर्किल ऑफ विलिस है ना, ब्रांचेस ऑफ सर्किल ऑफ विलिस, ठीक। तो अगर ब्रांचेस की बात करें पर, तो इसकी मेजर जो है तीन ब्रांचेस हैं। कितनी ब्रांचेस हैं, तीन ब्रांचेस। पहली ब्रांच है कॉर्टिकल ब्रांच, ठीक। पहली ब्रांच कौन सी है, कॉर्टिकल ब्रांच। दूसरी ब्रांच है कौन सी, सेंट्रल ब्रांच, सेंट्रल ब्रांच। और तीसरी ब्रांच जो है वो क्रोकोइडल ब्रांच, कौन सी ब्रांच, कोरोइडल ब्रांच, सॉरी कोरोइडल ब्रांच, ठीक। तो इसके मेन कितने ब्रांच है, तीन ब्रांच। कौन कौन सी, एक तो कॉर्टिकल ब्रांच, कॉर्टिकल नाम में ही रखा हुआ है, कॉर्टिकल मतलब कॉर्टेक्स। सेंट्रल ब्रांच जो कि सप्लाई करी किधर, सेंट्रल पे, ठीक है, सेंट्रल वाले पार्ट पे, जिसकी ब्रांचेस, जिससे और ब्रांचेस निकलेगी। और दूसरा, तीसरा क्या, कोरोइडल ब्रांच, जो कोरोइड प्लेक्सस बनता है ना सीएसएफ में, है ना, इसी आर्टरी के बेस पे वहां फॉर्म करता है क्या, कोरोइड प्लेक्सस, ठीक है। तो जो कॉर्टिकल ब्रांच है, अब यहाँ पे पहली ब्रांच को निकालो, कौन सी ब्रांच, कॉर्टिकल ब्रांच, ठीक है। कॉर्टिकल ब्रांच को अपन और क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल ब्रांच, कौन सी ब्रांच, एक्सटर्नल ब्रांच, ठीक। एक्सटर्नल ब्रांच क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये जो है ये अपने को ब्रेन
कि जो ऊपरी हिस्सा है ना, इसको क्या करता है, सरफेस ऑफ सेरिब्रम, किसको सप्लाई करता है, सरफेस ऑफ सेरिब्रम, जो सेरिब्रम का सरफेस है ना, ऊपरी हिस्सा जो सेरिब्रम का सरफेस है ये उसको सप्लाई करता है। तो यहाँ पे क्या है, इसलिए इसका नाम क्या है, कॉर्टिकल ब्रांच, क्योंकि सप्लाई कर रहा है किसको, सरफेस ऑफ, सप्लाई द सप्लाई ऑफ सरफेस ऑफ सेरिब्रम, किसको सप्लाई कर रहा है, सरफेस ऑफ सेरिब्रम को, ठीक है। अब मान लो ठीक है, जो तो ये जो इंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी से ब्रांच निकल रही है, जो कि सब जिसको अपन बोल रहे हैं कॉर्टिकल ब्रांच, अगर ये मान लो इस पे कहीं पे भी अगर ऑब्स्ट्रक्शन है, ठीक है, सरफेस, क्योंकि बड़ी बात है इनमें क्या है, ये एनास्टोमोसिस होती है बहुत जगह, क्या होती है एनास्टोमोसिस, मतलब आकर जुड़ती है बहुत जगह, ये आकर बहुत जगह आकर जुड़ती हैं, तो क्या हो रहा है इनमें जो अगर ब्लॉकेज हुआ है, तो इसमें इन स्मॉल इनफार्क्ट, क्या स्मॉल इनफार्क्ट, मतलब जो पर्टिकुलर एरिया है वो कम डैमेज होगा, क्यों, क्योंकि सप्लाई उसको दूसरी जगह से भी मिल रही है, तो इसमें अपने को स्मॉल इनफार्क्ट देखने मिलेगा। जैसे कि अपन यहाँ पे जो डायग्राम बनाया था, फिर से देख लो, ठीक। अब अपन ने क्या देखा था, ये हो गई थी अपनी कौन सी, इंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी, सेरिब्रल आर्टरी, है ना, ब्रांच, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी एंड पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी, ठीक है। अब देखो जो इसने बोला है क्या, कॉर्टिकल ब्रांच, ठीक है, जिसको अपन बोला है एक्सटर्नल ब्रांच बोला है, सप्लाई ऑफ द सरफेस ऑफ, तो जो इससे सब कॉर्टिकल, जो इसके कॉर्टेक्स वाले पार्ट में क्या कहीं सप्लाई कर रही है, जो अपना ऊपर सरफेस पे जो इसको सप्लाई दे रही है, उससे अगर इस पे सप्लाई हो रही, तो इनमें क्या है एनास्टोमोसिस, मतलब ये आर्टरी कुछ इस तरीके से क्या है, पूरी पूरी इस पे फैली हुई है, ठीक। अब इनमें क्या है एडजॉइनिंग, मतलब एनास्टोमोसिस बहुत जगह, ये बहुत जगह आपस में जुड़ी हुई है, ठीक, बहुत जुड़ी हुई है, तो अगर इस पर्टिकुलर पार्ट में अगर इन्फार्क्ट हुआ, इस पर्टिकुलर पार्ट में अगर ऑब्स्ट्रक्शन कॉज हुआ है, तो इसको एनास्टोमोसिस होने की वजह से जो एरिया है वो कम इन्फार्क्ट होगा, मतलब कम डैमेज होगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि उसको सप्लाई मिल रही है। देन दूसरा जो है सेंट्रल ब्रांच, दूसरा कौन सा है, सेंट्रल ब्रांच, सेंट्रल ब्रांच की अगर बात करो, सेंट्रल ब्रांच कहां पड़ा प्रेजेंट है, अपने सेंटर में प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये क्या क्या कर रहा है, ये व्हाइट मैटर को, व्हाइट मैटर के अंदर इंसर्ट हो रहा है, परफोरेट इन द व्हाइट मैटर, मतलब व्हाइट मैटर को पेनिट्रेट करके, चीज कहां, सॉरी, व्हाइट मैटर को पेनिट्रेट करके अंदर की ओर घुस रहा है, कौन, अपना सेंट्रल, इसकी जो सेंट्रल ब्रांच है, ठीक है, और सप्लाई कर रही है किसको, थैलमस को, कार्पस स्टेटम को और इंटरनल कैप्सूल को, ये क्या करिए, सप्लाई करने का काम करिए। अगर मान लो इसी में सेंट्रल ब्रांच में अगर ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, क्योंकि डायरेक्ट सप्लाई कर रही है, ठीक है, अगर इसमें ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा, तो इनफार्क्ट जो है वो बहुत ज्यादा देखने मिलेगा, मतलब पूरा पूरा एक एरिया में इनफार्क्ट देखने मिल सकता है, एक बड़े पार्ट में इनफार्क्ट देखने मिल सकता है। देन जो तीसरा है क्या, कोरोइडल ब्रांच, कौन सी ब्रांच, कोरोइडल, हाँ कोरोइडल ब्रांच, ठीक, जो कोरोइडल ब्रांच है ये सप्लाई किसको देता है, सप्लाई द कोरोइड प्लेक्सस, किसको, कोरोइड प्लेक्सस को सप्लाई देने का काम करता है, और जो वेंट्रिकल्स है अपने ब्रेन के, जो वेंट्रिकल्स है, लेटरल वेंट्रिकल हो गया, है ना, थर्ड वेंट्रिकल हो गया, फोर्थ वेंट्रिकल हो गया, है ना, इनको क्या करता है, सप्लाई करने का काम करता है ये। तो ये जो ब्रांचेस थी, किसकी ब्रांचेस थी, ब्रांचेस ऑफ सर्किल ऑफ विलिस, या तो ब्रांचेस ऑफ सर्कुलस आर्टेरियोसस, क्या, ब्रांचेस ऑफ सर्कुलर, ब्रांचेस ऑफ सर्किल ऑफ विलिस, या बोल सकते हो ब्रांचेस ऑफ सर्कुलस आर्टेरियोसस, ठीक। अब जो है एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी की ब्रांचेस की बात कर रहा है, ठीक है, किसकी, सेरिब्रल आर्टरी की ब्रांचेस, तो जो ये क्या है, जो ये अपना है इंपॉर्टेंट आर्टरी ऑफ ब्रेन, क्या, जो इंपॉर्टेंट आर्टरी ऑफ ब्रेन, ठीक, ब्रेन में जो इंपॉर्टेंट आर्टरीज हैं, क्या, ब्रेन में जो इंपॉर्टेंट आर्टरीज हैं वो कौन कौन सी हैं, ठीक। तो इसको भी तीन कैटेगरी में डिवाइड करो, पहले तो कौन कौन सी,
एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी और पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी, या तो सॉरी एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी, एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी, मिडिल सेरेब्रल आर्टरी और पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी, ये मेजर ब्रांच हैं किसकी, क्योंकि अपन क्या देख रहे हैं, इंपॉर्टेंट आर्टरी ऑफ ब्रेन। इंपॉर्टेंट आर्टरी ऑफ ब्रेन में कितनी आर्टरी निकल रही है, अपने मिल रही है तीन, कौन कौन सी, पहली कौन सी हो गई एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी, कौन सी एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी, दूसरी कौन सी है मिडिल सेरेब्रल आर्टरी और तीसरी कौन सी है पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी। तो ये तीन आर्टरी हो गई, एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी, पोस्टीरियर मिडिल सेरेब्रल आर्टरी और पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी, ठीक है। जो अपनी एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी है वो क्या है, स्मॉलर टर्मिनल ब्रांच है किसकी, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की, ये क्या है स्मॉलर टर्मिनल ब्रांच ऑफ इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, ठीक है। तो जो एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी है देख सकते हो, अपन ने देखा था ना इंटरनल कैरोटिड आर्टरी क्या है, से निकल रही है जो ब्रांचेस कौन सी, एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी की, वो क्या है उसका टर्मिनल स्मॉलर टर्मिनल ब्रांच है, ठीक है। देन दूसरी क्या है मिडिल सेरेब्रल आर्टरी, जो मिडिल सेरेब्रल आर्टरी है, मिडिल सेरेब्रल आर्टरी है वो क्या है लार्जेस्ट एंड डायरेक्ट ब्रांच ऑफ इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, क्या है वो लार्जेस्ट एंड डायरेक्ट, लार्जेस्ट मतलब बड़ी और डायरेक्ट ब्रांच है किसकी, एंड डायरेक्ट ब्रांच ऑफ इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, ठीक, किसकी ब्रांच है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की। देन पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी, पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी क्या है टर्मिनल ब्रांच ऑफ बैसिलर आर्टरी, हाँ टर्मिनल ब्रांच है किसकी बैसिलर आर्टरी की। देखो एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी सॉरी एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी किसकी, किसका टर्मिनल पोर्शन हो गया स्मॉलेस्ट, छोटा किसका पोर्शन है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की ब्रांच है। देन मिडिल सेरेब्रल आर्टरी क्या है एक मेजर ब्रांच है, क्या एक मेजर ब्रांच है किसकी, लार्जेस्ट एंड डायरेक्ट ब्रांच ऑफ इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। देन फिर क्या है पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी, पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी किसकी ब्रांच है बैसिलर टर्मिनल पार्ट है किसका बैसिलर आर्टरी का, ठीक है। चलो अब ये क्या हो गई इंपॉर्टेंट आर्टरीज है, क्या इंपॉर्टेंट आर्टरी किसकी ब्रेन के ब्लड सप्लाई की, ठीक है। फिर आगे अपने को मिलेगा, अब इसके बाद बात देखो कि जो सप्लाई है ना एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी, अब एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी जो है ये सप्लाई कर रही है कहाँ ऑर्बिटल पे, ऑर्बिटल है ना आई, देन फ्रंटल एरिया पे पेराइटल है ना और पैरासेंट्रल आर्टरीज, ये इसकी क्या होंगी ब्रांचेस हो गई। देन वही अगर मिडिल सेरेब्रल आर्टरी की बात करो तो मिडिल सेरेब्रल आर्टरी कहाँ कहाँ सप्लाई कर रही है तुम्हारे, एक तो इसकी ऑर्बिटल, ठीक है, दूसरा क्या हो गया फ्रंटल पेराइटल एंड टेम्पोरल, कहाँ कहाँ ऑर्बिटल, ठीक फ्रंटल पेराइटल एंड टेम्पोरल, कौन मिडिल सेरेब्रल आर्टरी। देन जो पोस्टीरियर है वो कहाँ इसको सप्लाई कर रही है टेम्पोरल ऑक्सीपिटल एंड पेराइटो ऑक्सीपिटल, पेराइटो ऑक्सीपिटल इन दोनों के बीच में, ठीक इनको सप्लाई कर रही है कौन अपनी, अपने इनको सप्लाई कर रही है कौन पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी, ठीक। ये था अपना क्या सर्किल ऑफ विलिस, जिसको अपन क्या बोलते हैं सर्कुलस आर्टेरियोसस, जो कि सप्लाई, जो कि मेजर पार्ट फॉर्म करता है किसके लिए ब्रेन के लिए। अगर एक अपन इसको शॉर्ट फॉर्म में फिर से देखें तो ये क्या हो गया अपना, जो कि फॉर्म करते क्या वर्टेब्रल आर्टरी, वर्टेब्रल आर्टरी मर्ज होती है और फॉर्म करती है क्या बैसिलर आर्टरी, बैसिलर आर्टरी आगे जाके स्कल में घुसने के बाद फिर क्या करती है बाइफर्केट होती है और फॉर्म करती है क्या पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी। देन इंटरनल कैरोटिड आर्टरी जो कि ब्रांच किसकी कॉमन कैरोटिड आर्टरी की ब्रांच है, ये इंटरनल कैरोटिड आर्टरी और पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी आपस में कम्युनिकेट होती है थ्रू द पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी के थ्रू। देन इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की टर्मिनल ब्रांच है कौन सी एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी और इनको कम्युनिकेट करने वाला कौन है एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी, जो कि फॉर्म करता है क्या सर्किल ऑफ
जो कि फॉर्म करता है क्या, सर्किल ऑफ विलिस या सर्कुलर आर्टेरियोसस, सर्कुलस आर्टेरियोसस, ठीक है, ये फॉर्म करता है अपना क्या, काउ, है ना, सर्किल ऑफ विलिस या सीए, सर्कुलस आर्टेरियोसस। और इसकी क्या है, मेजर ब्रांच जो है, इंपॉर्टेंट आर्टरी जो कि ब्लड को सप्लाई करने वाली कौन सी है, एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी, मिडिल सेरेब्रल आर्टरी और पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी, ठीक। देन उसके बाद उसको सप्लाई करने की अगर बात करें, उसकी इसके पार्ट की बात करें तो कौन कौन से अपन ने देखी थी, कॉर्टिकल ब्रांच देखी थी, है ना, जो कि कॉर्टेक्स को सप्लाई कर रही थी, और किसको, सेंट्रल पार्ट, सेंट्रल ब्रांच देखी थी, है ना, और तीसरी जो इंपॉर्टेंट ब्रांचेस है, जो इंपॉर्टेंट ब्रांचेस है किसकी, सर्कल ऑफ विलिस की, तो कॉर्टिकल ब्रांच, है ना, सेंट्रल ब्रांच और कोरोइडल ब्रांच, ये तीन ब्रांचेस थी जो कि पूरी पूरी ब्रेन को क्या कर रही, सप्लाई करने का काम कर रही है, ठीक है, कोई कंफ्यूजन, चलो।